नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। लीगल करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिनव गोस्वामी, आप सभी लोग जानते ही होंगे मुझे, नहीं जानते हो तो आज जान लो। तो बच्चे, आज जो हमारा ये पर्टिकुलर सेशन होने वाला है, इसके अंदर जो अभी प्रिवेलिंग इवेंट्स हो रहे हैं हमारे लीगल सिनेरियो में, उनको जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आप इस बात को समझिएगा बच्चे, ये जो सेशंस होने वाले हैं, इनका पर्पस केवल आपको न्यूज देना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है, उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं या जो भी लीगल टर्मिनोलॉजीज या बाकी की चीजें इन्वॉल्व हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर हमारी अदरवाइज जनरल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब भी कवर होगा। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हम लोग कंडक्ट किया करेंगे रोज सुबह 9 बजे, जिससे कि हमारी अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो और एग्जाम की तरफ जो हमारी तैयारी है, जो हमारा मिशन है, उसमें भी हमको हेल्प मिले। ठीक है, चलो तो शुरू करें आज का सेशन। आर वी ऑल रेडी? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो बच्चे, सब लोग तैयार हैं। और देखो, सेशन से शुरू करूं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि कल से हमारी कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस शुरू हो रही हैं बच्चे, रात को 9 बजे, 9 PM। ठीक है, कब से शुरू हो रही हैं? कल से शुरू हो रही है, दैट इज 9th of April 2024, रोज रात को 9 बजे हुआ करेंगी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का प्रिलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो जरूर आना है आप सभी लोगों को। और अगर आप स्टडी आई क्यू जुडिशियरी का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो बैच नंबर 9 शुरू हो रहा है 8th of April को, जहां पर क्लासेस जो हैं वो शाम को होती हैं 4 से 8 बजे तक। और आप कोड अगर यूज करोगे ये वाला, तो इसके दो फायदे होंगे कि एक तो आपको 25,000 का मिल जाएगा ये कोर्स, 24,999 का, और मैं आपका गाइड बन जाऊंगा। कोड है अभी लाइव, ABHILIVE। अदरवाइज भी कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी हो, मेरे से कनेक्ट कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपके सारे डाउट में दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज डिस्कस करनी है, दिस वॉज दिस थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सीएजी साहब को समझते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में पढ़ा है, हमें बताओ चैट बॉक्स में सीएजी का मतलब क्या है। सीएजी साहब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला है करप्शन की एक्विजेशन को जो लगाई गई है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ। और इनका जो समय है, जिस समय के संबंध में ये एलिगेशंस लगी हैं, ये बच्चे 2007 से 2011 है। अब समझिएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नहीं, कॉम्प्ट्रोलर, एम आता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या बताया था मैंने, ये कौन होता है? ये हमारा सरकार का सीए होता है। तो ये जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई करते हैं। किसके अकाउंट? गवर्नमेंट के अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनको फंड्स मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो उन सब के अकाउंट्स को ये ऑडिट करते हैं। उन्हीं को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो करप्शन एक्यूजेशन जो लगाए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के खिलाफ, इस पीरियड के संबंध में उनकी जांच करें। और ये जो केस है, इसका मैटर का नाम क्या है? वॉलेंटरी अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 2024 का ही है, इनको नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये आपके रीसेंट जजमेंट का पार्ट फॉर्म करेगी, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी, तो टाइटल को हमेशा नोट करते चलिएगा। अब देखो हुआ क्या है। देखो, एक स्पेशल लीव पेटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। स्पेशल लीव पेटिशन समझते हैं, जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जैसे कोई भी कंसर्न है, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहा है और कोई पर्टिकुलर रिलीफ मांग रहा है। हमारे इस केस में किसने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को? वॉलेंटरी अरुणाचल सेना ने, ये एक एनजीओ है जिसने स्पेशल लीव पेटिशन के माध्यम से कोर्ट को अप्रोच किया है। और ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि जो कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं या जो एलिगेशंस लगाए गए हैं करप्शन के संबंध में अरुणाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ, उनको वेरीफाई करे, उनको एग्जामिनेशन करा जाना चाहिए। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, एज ए लॉ स्टूडेंट हमारे लिए दो बातें इंपॉर्टेंट। ये जो करप्शन चार्जेस लगे हैं, दे आर इन रिलेशन टू द टेंडर प्रोसेस। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। टेंडर प्रोसेस, देखो
आप सभी को पता है कि सरकार हजार तरीके की चीजें करती है, उसकी जिम्मेदारियां हजार तरीके की, उसे रोड बनाना है, उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और भी बहुत चीज, तो इन सारी चीजों के लिए उसे डील करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह से या फिर ऐसे बिजनेस माइंडेड लोगों से जो उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं या उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, क्योंकि वो एक सरकार है तो उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो नागरिकों में या फिर जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनमें आपस में भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इसलिए ये माना जाता है कि जब भी सरकार को कोई भी सर्विसेज लेनी है या कोई भी सामान खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट उठाना है मार्केट से, वो टेंडर प्रोसेस के माध्यम से होना चाहिए। किस प्रोसेस के माध्यम से? टेंडर प्रोसेस के माध्यम से। टेंडर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मतलब आप एक टेंडर निकालो, उसको सर्कुलेट करो सोसाइटी के अंदर, जैसे न्यूज़पेपर में निकाल दिया, और उसमें आप बोलो कि सरकार जो है इतना इतना सामान या इतनी इतनी सर्विसेज परचेज करना चाहती है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो सरकार को अप्लाई करें। जिस तरीके से एप्लीकेशंस आएंगी सरकार के पास, जो भी व्यक्ति बेस्ट पॉसिबल पैसे में बेस्ट पॉसिबल सर्विस दे रहा होगा उसको टेंडर मिल जाए। ये क्या है? सबसे बढ़िया ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसे दो चीजें होती हैं, एक तो सब लोगों को मौका मिल जाता है उस प्रोसेस का पार्ट बनने का, और दूसरा सरकार की तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी फेवरेटिज्म या भेदभाव नहीं हो रहा है। तो आमतौर पर आप देखना जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सारे टेंडर के ही माध्यम से होते हैं। अब ये जो एलिगेशंस लगे हैं जिसके बारे में ये SLP फाइल हुई है, इसमें यही मुद्दा है कि सरकार ने गलती क्या की, सरकार ने इसी टेंडर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और बिना टेंडर प्रोसेस को फॉलो करे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड कर। तो ऑब्वियसली जब आप बिना टेंडर प्रोसेस को फॉलो करे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करोगे तो लोगों को शक तो होगा, सस्पिशन अराइज तो होगा ही। तो दैट इज द सिनेरियो जिसके बैकग्राउंड में ये हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है और बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला भी है वो रिलेटिव्स को मिला है, रिश्तेदारों को मिला है। किसके? जो CM साहब हुआ करते थे उस टाइम पे, CM दोरजी खांडू साहब, जिनके बेटे अभी CM है, CM पेमा खांडू। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रिलेटिव्स को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऐसा बोला जा रहा है, तो फेवरेटिज्म का तो जो मामला है वो बनता हुआ दिख रहा है। अब एक बात और समझनी है बच्चे हमको एज ए लॉ स्टूडेंट। देखो, एक चीज, एक आप हैबिट डेवलप करो अपने अंदर, जब भी आपको कोई न्यूज पता चले, कोई इंफॉर्मेशन आए और उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो, तो आप उसे ना आम व्यक्ति की तरह या आम आदमी की तरह इंटरप्रेट मत किया करो। जैसे ऐसे मत सोचो ये तो सरकारी मामला है, ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है या फिर ये हो रहा है या वो हो रहा है। आपको ऐसा नहीं करना। हमेशा एज ए लॉ स्टूडेंट आपकी सबसे पहली ये जिम्मेदारी है कि उस मामले की तह तक जाए, उसके रूट तक जाए, और रूट जाने का मतलब है उसका लीगल एस्पेक्ट। जैसे इसी को हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेके चले, यहाँ पे देखो सीधा साधा मामला देखता हुआ मिल रहा है कि भाई आपने टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपने रिलेटिव्स को कॉन्ट्रैक्ट इश्यू कर दिया और फेवरेटिज्म का मामला लग रहा है। पर समझिएगा, लग रहा है, इट डजंट प्रूव एनी। सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात को मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने CAG को इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो प्रॉपर डेटा कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करे और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले पे पहुंचेगा वो लिया जा सकेगा। ठीक है, अब सुप्रीम CAG को क्या जिम्मेदारी दी गई है? CAG को सबसे पहले सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो पता लगाए कि ये जो सरकारी हमारे CM साहब हैं इनके रिलेटिव्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है या नहीं, क्योंकि ये तो बात SLP में लिखी है, उसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमने पूछना चाह रहे हैं CAG साहब से कि अगर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी रिलेटिव को दिया जाए सरकार के द्वारा तो उसमें कोई गलत बात है क्या? दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई गलत बात नहीं है तो क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, मतलब क्या नियम कानून है जो उस प्रोसेस में फॉलो होना चाहिए। तो CAG साहब को दो बातों का जवाब देना। एक तो रिलेटिव्स को कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया जाना वॉज इट लीगल, क्या ये कानूनी था? अगर था तो उसके संबंध में क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, क्या वो नियम है जो फॉलो होने चाहिए थे? तो ये दो बातें CAG साहब के कंधे पे आ गई है जिम्मेदारी, अब उनको इसका जवाब दे।
अब ये जो हम बात कर रहे हैं सीएजी साहब की, जिनको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बच्चे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संविधान के अंदर इनको स्थापित किया गया है, और इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सबकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। और यही वजह है, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के अंदर, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदद मांगी है हमारे सी। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो टेंडर प्रोसेस का ना फॉलो होना और किसी रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाना कितना सस्पिशन रेज करता है, पूरी कहानी आपको इस केस के माध्यम से सीखने को मिलेगी। अभी तो इन प्रोसेस है, अभी तो एक इवेंट हुआ है, अभी आगे भी कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होंगे। हमको देखना होगा कि सीएजी साहब किस रिपोर्ट के साथ साथ आते हैं, उसमें कितने वैल्यूएबल एविडेंसेस हैं, क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंसेस के काम बात पे काम करेगा, कभी सस्पिशन के आधार पर नहीं ना। तो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आता है कोर्ट के सामने, और फिर जो भी कोर्ट फैसला लेगा उस हिसाब से हम लोग आगे उसको डिस्कस कर। ठीक है, ये पहला न्यूज हो गया, समझ में आ गई बात? यहां तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। हाँ, वेरी गुड। तो पहले तो देखो, बहुत सिंपल फंडा है लीगल प्रोसेस का, बहुत सिंपल फंडा है। आप जो भी कुछ बोल रहे हो, एलिगेशंस लगा सकते हो, लगाओ, बट यू हैव टू एस्टेब्लिश योर ओन एलिगेशन। आप जो भी कुछ कोर्ट के सामने कंटेंट कर रहे हो, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। यू ब्रिंग समथिंग ऑन रिकॉर्ड जो उसको सपोर्ट कर, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चल अब आओ न्यूज नंबर टू। न्यूज नंबर टू जुड़ी हुई है बच्चों IUML से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वाला, वो उसके उसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी के, रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब देखो, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है। मामला क्या है कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो CAA अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। उसी संबंध में हमारी ये जो संस्था है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, और वो एलिगेशन ये है कि ये जो CAA है, ये ऊपर से तो दिखा रहा है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर असल में ये धर्मों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। समझिएगा क्या बैकग्राउंड है। देखो, IUML का कहना है कि CAA ने कुछ सर्टेन नेबरिंग कंट्रीज को चुना है, फिर उनकी कुछ सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज को चुना है, और उनको नागरिकता के फायदे देने की बात कही जा रही है कानून के अंदर। अब इसका आधार क्या है, समझिए। देखो, हम कोई भी कानून बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने CAA एक्ट बनाया। अब इस अमेंडमेंट के अंदर हमारा पर्पस क्या था, हमको सबसे पहले ये समझना होगा। देखो, प्रोविजंस भी हम देखेंगे कि लॉ के अंदर हो क्या रहा है, बट विद व्हाट इंटेंशन दे आर बीइंग मेड, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, उसका पर्पस आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू है, जैन है, सिख है, उनको प्रोटेक्ट करना, और किससे प्रोटेक्ट करना है, रिलीजियस परसिक्यूशन से। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब जहां पे धार्मिक आधारों पर उनकी हत्याएं की जा रही, उससे उनको सुरक्षित करने के लिए हम भारतीय नागरिकता उन लोगों को दे रहे हैं। दिस इज दी फंडा, दिस इज दी पर्पस। तो पर्पस क्या हुआ हमारे अमेंडमेंट एक्ट का, पर्पस ये हुआ कि हम लोगों को रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है रिलीजियस परसिक्यूशन से इन सारे देशों में। सही बात है, यही हमारा पर्पस है, रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना। इसी के संबंध में हमारी ये जो संस्था है IUML, की यही कह रही है कि
कि अगर हमारा पर्पस यही है कि हम रिलीजियस कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करें जो इन नेबरिंग कंट्रीज से आ रही है, तो हम बाकी की कम्युनिटीज को क्यों छोड़ दे रहे हैं? और कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, बोला जा रहा है जैसे एक अहमदिया कमेटी है कम्युनिटी है पाकिस्तान में, एक रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी है म्यांमार में, ठीक है, तमिलियन हिंदूज हैं जो श्रीलंका में, ठीक है, ऐसे ही बुद्धिस्ट हैं, युगुर हैं मुस्लिम्स, ये चाइना में, ये सब लोग क्या है, ये भी तो सेम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप देखो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार है, फिर वो चाहे अहमदिया कम्युनिटी हो पाकिस्तान की, चाहे रोहिंग्या के बारे में तो आपने देखा ही कितना बुरा हाल है, रोहिंग्या मुस्लिम्स हो म्यांमार के, चाहे तमिलियन हिंदूज हो श्रीलंका के, चाहे बुद्धिस्ट हो युगुर हो चाइना के, तो दीज पीपल आर ऑल्सो इन माइनॉरिटीज उन सारी कंट्रीज में, और उनका भी रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। तो हम लोग इनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ कम्युनिटीज को ही क्यों दे रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान को तो कवर किया है पर अहमदिया कम्युनिटी को कवर नहीं किया है हमने। अब देखो म्यांमार देखो, वी आर नॉट कवरिंग इट, श्रीलंका वी आर नॉट कवरिंग इट, चाइना वी आर नॉट कवरिंग इट। तो कहने का मतलब है जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा तो लेजिट है, उसमें दम तो है, बात कही जा रही है कि पर्पस क्या है काम, क्या पर्पस केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू जैन सिख इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, या फिर पर्पस रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का? क्योंकि अगर पर्पस रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का है और परसिक्यूशन से प्रोटेक्ट करने का है, तो इनको एक्सक्लूड करना इज अनजस्टिफाइड। और इसके बेसिस पे जो हमारी संस्था है वो ये कह रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक सेकुलर कंट्री एस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम, ठीक है। और भी कुछ परेशानियां बताई गई हैं, जैसे एक परेशानी बताई जा रही है कि आधार तो आपने ये रखा है नागरिकता देने का अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि रिलीजियस परसिक्यूशन से वो लोग भाग के आए हैं, बच के आए, पर आपने एक्ट के अंदर जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चालू किया, जब उनको सिटीजनशिप देने की बात आई, तो आपने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी कानून के अंदर जहां पे आप ये बोलो कि उनको एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि उनका परसिक्यूशन हो रहा था और इस वजह से वो भाग के आए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स नो, यू हैव टू एस्टेब्लिश दैट, क्योंकि वो एक एक्ट का पॉइंट है कि आप इन कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है, पर आप उन कम्युनिटीज से ये एविडेंसेस नहीं मांग रहे कि उनका परसिक्यूशन हो रहा था, प्रॉब्लमैटिक। एक और प्रॉब्लम है, हम जब इन लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, हम लोग इनसे ये बोल ही नहीं रहे कि अगर उनके पास नागरिकता है उस देश की जिस देश से वो भाग के आए हैं, उस नागरिकता को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं एक्ट के अंदर, नए कानून के अंदर, इससे क्या हो सकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला बन सकता है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक व्यक्ति होगा हमारे देश में जिसके पास पहले से एक नागरिकता है उस देश की जहां से वो भाग के आया, और हम भी उसे एक नागरिकता दे देंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है, तो ये उस प्रिंसिपल का भी वायलेशन हो जाएगा। तो आप देखो बिल्कुल दमदार आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल बातें चल रही हैं, दमदार आर्ग्यूमेंट्स हैं तीनों के तीनों। तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एड्रेस करेगा तीनों पॉइंट्स को। तो क्या क्या तीनों पॉइंट्स हैं? एक तो रिलीजियस परसिक्यूशन वाली बात, रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने वाली बात, क्यों हमने कुछ ही माइनॉरिटीज को चुना, कुछ ही नेबरिंग कंट्रीज को चुना, बाकियों को नहीं चुना, क्यों हमने परसिक्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखी, उसको प्रूव करना जरूरी नहीं समझा, और क्यों हमने नागरिकता के बारे में, पहले से अगर नागरिकता है उसके बारे में कोई प्रावधान क्यों नहीं बना? हाँ बिल्कुल दम तो है, तो देखेंगे आगे क्या होता है इस सिचुएशन में भी, ठीक है। मजेदार है, चीजें सीखने को बहुत मिलती। देखो कानून पढ़ने का मजा ही इस बात में है कि कोई भी चीज बेवजह नहीं है, हर चीज को बस समझना है, आप अगर उसको समझ पाओगे ना तो बहुत मजा आता है। चलो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत गुस्सा हो गया है, ठीक है, और गुस्सा क्यों हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर कोई भी विक्टिम जब होता है, कोई भी बच्चा बच्ची जो विक्टिम है,
उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में हमारा कानून सीधा सीधा बोलता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी आपको प्रोटेक्ट करनी हो। पर बार बार हमारे सामने ऐसे इंस्टांसेस आते हैं जहां पे पुलिस अथॉरिटीज या जुडिशियल अथॉरिटीज की मतलब लापरवाही की वजह से विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बच्चे इस केस के अंदर, उत्पल मंडल एलियास उत्पल मंडल वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में भी यही मामला निकल के आया। हुआ क्या बच्चे, पॉक्सो एक्ट का एक सेक्शन है, मैंने आपको पढ़ाया था जब उस दिन मैंने वन शॉट में पॉक्सो कवर करवाया था ना, उसमें ये सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों कि पॉक्सो एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 33 का सबसेक्शन 7, जो बोलता है कि चाइल्ड की आइडेंटिटी को, चाइल्ड की आइडेंटिटी को हमको प्रोटेक्ट करना होता है थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, और जब तक पूरा लीगल प्रोसेस चलता है ना आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते, ऐसा करना अलाउड नहीं है। और ये केवल एक डायरेक्शन नहीं है कि हम ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसा हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज प्लीज मत करना, ऐसा नहीं। इनफैक्ट हमारे आईपीसी में एक सेक्शन है सेक्शन 228 का ए, वो पेनल्टी इंपोज करता है, वो बोलता है कि ऐसी किसी परिस्थिति में अगर विक्टिम की आइडेंटिटी आपने डिस्क्लोज करी तो वो एक अपराध माना जाएगा। अब यहां से देखना सिचुएशन कितनी सीरियस हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब पॉक्सो एक्ट नाम का कानून साफ साफ कह रहा है कि आपको विक्टिम्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनको डिस्क्लोज नहीं करना है, और वो कितना जरूरी है ये आप भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, कोई भी बच्चा है जो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार, मतलब किसी भी ऑफेंस का शिकार है जो पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर, आपको नहीं लगता कि उसकी आइडेंटिटी अगर प्रोटेक्टेड रहेगी इट वुड बी बेटर फॉर हर और हिम फ्यूचर में अपनी एक अच्छी लाइफ लीड करने की? सोचो, आप खुद सोचो। सेक्सुअल ऑफेंसेस के अपने साथ में ही बहुत बड़ा स्टिग्मा आता है सोसाइटी का, बहुत गलत चीज है, बट क्या करें, रियलिटी है। तो इस स्टिग्मा से बच्चों को बचाने के लिए, उनका फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये हमने प्रावधान बनाया है, कानूनी प्रावधान बनाया और उसको अपराध भी घोषित किया है। तो कानून की तरफ से तो बेटा कोई कमी रह नहीं गई, ना ही अवेयरनेस रेज करने में, ना ही उसको स्ट्रिक्ट बनाने में। इसके बावजूद क्यों ऐसे इंस्टांसेस सामने आते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स लापरवाही दिखा देते हैं? जैसे इस केस के अंदर क्या हुआ, बच्ची की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और उस स्टेटमेंट के अंदर नाम लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ, और ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर रहा, ये वही लोग कर रहे हैं जिनका काम है इन कानूनों को लागू करना, इन कानूनों को इंप्लीमेंट करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बहुत सीरियस कंसर्न रेज करी कि अगर पुलिस अथॉरिटीज या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स ही इस बात का अगर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आम जनता से फिर या फिर न्यूज़पेपर से या न्यूज एजेंसी से एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल बेकार ही। एंड दैट इज द रीजन की सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि इन सारी अथॉरिटीज को पॉक्सो एक्ट के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनको थोड़ी सेंसिटिविटी डेवलप हो विक्टिम्स के संबंध। ठीक है, क्लियर है, चल नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूज बहुत स्पेसिफिक, ये है एनआईए एक्ट के बारे में। किसके बारे में? एनआईए एक्ट के बारे में। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, इसका बच्चे एक सेक्शन है सेक्शन 21, उसका है सबसेक्शन 5। ये बात करता है अपील की, अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, मतलब किसी भी व्यक्ति के संबंध में ट्रायल चला है स्पेशल कोर्ट के अंदर, उसके खिलाफ अगर आपको अपील फाइल करनी है तो नॉर्मल पीरियड जो दिया गया है सेक्शन 21(5) के अंदर वो दिया गया 30 डेज का, कि आपको 30 दिनों के अंदर बच्चों अपील फाइल करनी। पर एक उसमें ये भी बात लिखी गई है कि अगर बाई चांस एक रीजनेबल कॉज की वजह से आप 30 दिन में फाइल नहीं कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में तो आप फाइल कर ही दो, 90 डेज में तो आप कर ही दो। तो इस केस के अंदर जिसका नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सरफराज अली जाफरी, इस केस के अंदर यही सवाल उठ रहा है कि ये जो 90 डे का पीरियड दिया गया है मैक्सिमम सेक्शन 21 के सबसेक्शन 5 के अंदर एनआईए एक्ट के, क्या ये फ्लेक्सिबल है या फिर ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है? फ्लेक्सिबल और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है?
क्या 90 दिन के बाद कोई अपील सुनी जा सकती है या नहीं? क्या 90 दिन के बाद कोई अपील सुनी जा सकती है या नहीं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरप्रेट करने का मामला उठा। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्ट क्या कहता है कि नॉर्मली तो 30 दिन के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 दिन, नॉट बियॉन्ड 90 डेज। और 90 डेज के भी लेवल पे आना है ना, तो आपको सफिशिएंट कॉज दिखानी होगी। तो देखो, तीन लेवल है। स्पेशल कोर्ट का डिसीजन आया तो आपके पास 30 दिन है सीधे सीधे, और इन 30 दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपील फाइल करो। अगर 30 दिन से मामला बढ़ गया है और मामला 90 दिन तक का है, 30 से 90 दिन तक का अगर मामला है, तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ती है, और वो है कि आपको सफिशियंट कॉज दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि आप 30 दिन के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो 30 से लेकर 90 दिन के अंदर वो अलाउ कर, तो हमेशा करेगी या नहीं करेगी गारंटी नहीं है, पर कर सकती है। पर इस केस में ना ही सवाल इसके बारे में है, ना ही सवाल इसके बारे में। इस केस में जो सवाल है वो है, अगर मामला 90 दिन से भी ज्यादा का हो गया है, 90 दिन ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, अगर मामला 90 दिन से भी ज्यादा का हो गया है तब क्या? तब बिल्कुल बाढ़ है, अब अपील फाइल हो ही नहीं सकती, क्या ये कानून है? या फिर अब भी शायद कोई परिस्थिति बन सकती है जहां पे हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट, ये मेन क्वेश्चन इस केस के अंदर बच्चे अराइज हो रहा। अब परेशानी क्या है कि अभी तक ये मामला, ये इशू कई बार उठा है अलग अलग हाई कोर्ट के सामने, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, कई बार अराइज हो चुका है, पर अलग अलग हाई कोर्ट ने ना बहुत डाइवर्जेंट व्यूज दिए हैं। जैसे एक तरफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक तरफ है बॉम्बे हाई कोर्ट, एक तरफ है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, और एक तरफ है दिल्ली हाई कोर्ट। ये चारों हाई कोर्ट क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ये जो 90 दिन की लिमिट है ना, ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब ऐसी परिस्थितियां अब भी हो सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां अब भी हो सकती हैं कि 90 दिन के बाद भी, 90 दिन के बाद भी अपील स्वीकार की जा सके हाई कोर्ट के द्वारा। तो मतलब इंपॉर्टेंट है 90 दिन की लिमिट, पर ऐसा नहीं है कि उसके बियॉन्ड अगर आप चले गए तो अपील आप भूल जाओ, ऐसा नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ अन्य हाई कोर्ट जो हैं, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा, हाई कोर्ट ऑफ केरला, इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया है इस बात का। इन दोनों हाई कोर्ट ने बोला है कि नहीं, 90 दिन की लिमिट है वो मैंडेटरी है। क्यों है मैंडेटरी? क्योंकि जो सफिशिएंट कॉज वाली बात है वो केवल 90 दिनों तक लागू होती है, ये वाला वो केवल 30 से लेकर 90 दिनों तक के लिए। अगर आप सफिशिएंट कॉज दिखाओगे तो 90 दिनों तक का टाइम है आपको। वैसे जो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड है वो तो 30 दिन का है, जो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड है जिसमें आपको अपील फाइल करनी चाहिए सही मायने में, वो तो 30 दिन का, पर सफिशिएंट कॉज की वजह से अगर डिले हो गई है तो 90 दिन तक आप ये अलाउ कर सकते हो, पर इसके बियॉन्ड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कहा जा रहा है केरला हाई कोर्ट के द्वारा और कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। अब इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि अगर हम लोग इस पीरियड के बियॉन्ड भी अलाउ करेंगे तो फिर इस पीरियड में जो 30 से लेकर 90 दिन तक का है और जो 90 दिन के बाद का पीरियड होगा उसमें फर्क क्या रह गया? कोई फर्क ही नहीं रह गया, क्योंकि चाहे ये वाली परिस्थिति हो चाहे ये वाली परिस्थिति हो, हाई कोर्ट तो किसी भी अपील को यही सोच के स्वीकार करेगा ना कि कोई सफिशिएंट कॉज था, कोई वजह थी, 90 दिन के बाद भी कुछ स्पेशल चीज तो मांग नहीं लोगे, मांगोगे क्या? जस्टिफिकेशन कि भाई क्यों डिले हो गया। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या? कानूनी भाषा में बोल दूं तो सफिशिएंट कॉज। तो अगर आपको सफिशिएंट कॉज ही देखनी है तो फिर इस पीरियड में और इस पीरियड में फर्क ही क्या रह गया? फिर तो सीधा बोल दो ना कि जो नॉर्मल पीरियड है वो 30 दिन है और 30 दिन के अगर बाद है तो सफिशिएंट कॉज दिखानी है। तो फिर ये 30 से लेकर 90 तक का ड्रामा करने की क्या जरूरत? बहुत दम है, ऐसा नहीं है हल्के में मत लेना, बहुत दम वाली बात कह रहा है केरला हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट। भाई अगर आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं करना तो फिर ये वाला आपने क्रिएट ही क्यों किया है सिनेरियो?
समझ रहे हो? तो दोनों तरफ बड़ी दमदार बात है कि एक तरफ अपील का अधिकार है, और ऐसा लगता भी है कि भाई अपील का अधिकार अगर किसी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाए लिमिट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल बंद कर दो। पर दूसरी तरफ बाकी के हाई कोर्ट्स के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बहुत दमदार हैं, जो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही है देन वाई आर वी, अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि 90 दिन के पीरियड के भी बियॉन्ड जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कानून में लिखा गया है हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। बात सही है, बात काफी हद तक सही है। आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा मैं एक छोटा सा पोल कर लेता हूँ, आप किसकी साइड, अलाहाबाद हाई कोर्ट की साइड या फिर कैलकाटा हाई कोर्ट की साइड, बताओ बताओ। बिल्कुल सही पूरी, बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई ऐसा कॉज हो सकता है जिससे 90 दिन से ज्यादा की डिले हो जाए, बट दी पॉइंट इज कि कानून क्या कहता है, हमारा यहाँ पे कानून से मतलब। अच्छा कैलकाटा लग रहा है सही, अलाहाबाद सही नहीं लग रहा। देखो अलाहाबाद के फेवर में एक बहुत बड़ी बात, अपील का अधिकार अपील का अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है कि आप किसी का अपील का अधिकार पूर्व तरीके से छीन लोगे केवल इस वजह से कि उसने लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल नहीं किया, तो थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो जाए। अच्छा अलाहाबाद बॉम्बे वाले भी काफी लोग हैं, चलो जो है सुप्रीम कोर्ट देखो किस तरीके से इसको एनालाइज करता है, आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे जब फैसला आ जाएगा पूरी तरीके से। अब देखो अगला न्यूज, देखो ये लास्ट न्यूज है हमारे आज का। अब देखो इसमें क्या हुआ, दो जजमेंट का डिस्कशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एक जजमेंट आई थी गुरविंदर सिंह नाम, वो कह रहा है कि गुरविंदर सिंह जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो के ए नजीब वाली जजमेंट है वो ओवरटर्न हो गई। अब आप कह रहे होगे सर हमको जजमेंट तो बताओ, आप कहानी पहले बताने लगे, भी बता पहले एक हल्का सा बैकग्राउंड। बच्चे ये जो बात कही जा रही है कुछ छोटे मोटे कानून के अंदर नहीं कही जा रही है, ये कही जा रही है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कानून के अंदर, UAPA के अंदर, बहुत सीरियस लॉ है, टेररिज्म वगैरह से हैंडल करता है। तो ये UAPA के अंदर दो जजमेंट, एक है के ए नजीब जजमेंट और एक है गुरविंदर सिंह जजमेंट, इनमें हल्का सा क्लैश वाली परिस्थिति बन, इसी चीज को इंटरप्रेट कर रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर, शोमा कांति सेन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये एक ऐसा केस है जो ये क्या कहते हैं, जहां पर यही सवाल अराइज हो रहा है कि इन दोनों जजमेंट्स में से अपर हैंड किसका है। अभी हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूं जजमेंट्स का, आपको समझ में आ जाए। ये जो के ए नजीब वाली जजमेंट है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेल ग्रांट कर दी, इस बात के बावजूद कि जो हमारा UAPA का कानून है वो रेस्ट्रिक्शन लगाता था बेल ग्रांट करने पर। देखो UAPA का कानून क्योंकि ये टेररिज्म जैसी अनलॉफुल एक्टिविटीज से डील करता है, तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। इस कानून के अंदर अगर कोई व्यक्ति को पकड़ा है आप लोगों ने, तो उसको बेल वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ये कानून ऐसे प्रावधान बनाता है कि बेल नहीं दी जाएगी। पर के ए नजीब एक ऐसा केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 इस्तेमाल करके, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करके बेल को ग्रांट किया था, और क्या बोल के किया था कि फेयर एंड स्पीडी ट्रायल एंश्योर करना राज्य की जिम्मेदारी है और हर एक एक्यूज व्यक्ति का अधिकार है, भरे वो एक्यूज व्यक्ति UAPA के कानून के अंदर क्यों ना। तो एक लिबरल व्यू लिया था सुप्रीम कोर्ट। पर वहीं दूसरी तरफ एक और केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने गुरविंदर सिंह नाम का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेल नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी क्योंकि जैसे अपराध किए गए हैं या जैसे अपराधों का एलिगेशन लगा हुआ है वो बहुत ही सीरियस है। अब आप देखो दोनों जजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, ठीक है। अब दोनों जजमेंट्स को देख के समझने की कोशिश करो बस, एक तरफ जजमेंट है जहां पे उसी कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट लिबरल अप्रोच ले रहा है और बेल ग्रांट कर रहा है, दूसरी जगह उसी कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट अप्रोच ले रहा है और बेल ग्रांट नहीं कर रहा है। अब इस केस के अंदर, तीसरे केस के अंदर, शोमा गांधी केस के अंदर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये केस फॉलो करना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट या फिर गुरविंदर सिंह फॉलो करना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट। उठेगा ही उठेगा, जब एक ही मुद्दे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग व्यूज दिए हैं
तो मुद्दा उठेगा ही उठेगा। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो पाया। देखो बच्चे, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसको हमारी भारतीय पार्लियामेंट ने बनाया था अनलॉफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब अखंडता को क्वेश्चन कर। इस कानून का एक सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 43D का सबसेक्शन 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन के। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बेल के संबंध में कि भाई बेल नहीं दी जाएगी या बहुत हार्ड होगा प्रोवाइड करना, ठीक है, खासकर जब मामला सीरियस ऑफेंसेस का हो, सीरियस एलिगेशंस लगे हुए। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है इस कानून के अंदर और वो है प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई ट्रू। यही आपको फर्क समझ में आ जाएगा गुरविंदर जजमेंट का और दूसरी वाली जजमेंट का जिसका नाम है के ए नकी। ये जो एक्ट है सेक्शन 43 सेक्शन जो है ये कहता है कि बेल ग्रांट नहीं करेंगे अगर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं और जिसके संबंध में बेल मांगी जा रही है, अगर समझिएगा, अगर प्राइमा फेसाई एविडेंसेस हैं, मतलब जितना रिकॉर्ड पे मटेरियल आया है उसको देख के लग रहा है कि जो एलिगेशंस हैं वो सच हैं। अभी एलिगेशन साबित नहीं हुए हैं, वो तो ट्रायल के प्रोसेस में होंगे, लंबा समय लगेगा, पर अभी जिस समय पे बेल मांगी जा रही है उस समय पे लगभग इतना रिकॉर्ड आ गया है जिसको देख के लग रहा है कि हाँ ये बंदा इन्वॉल्व। अगर बच्चे ऐसी परिस्थिति होती है जैसी परिस्थिति बनी थी गुरविंदर सिंह वाली जजमेंट में, तो कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करेगा, सीधा सीधा कहता है कि बेल ग्रांट नहीं करेगा। पर वहीं भले ही किसी व्यक्ति पे एलिगेशंस लगे UAPA कानून के अंदर लगे, पर अगर अभी तक रिकॉर्ड पे कुछ ऐसा नहीं आया है जो प्राइमा फेसा एस्टेब्लिश करता हो उस व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो इतना बड़ा बार नहीं है बेल के संबंध में। वहां पे पॉसिबिलिटी ऐसा साफ साफ लिखा नहीं है एक्ट के अंदर, पर इंटरप्रेट अगर उसको करें तो यही सार निकल के आता है कि वहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि किसी व्यक्ति को हम बेल ग्रांट कर दें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया भी के ए नजीब केस के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी के ए नजीब केस के अंदर कि फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। इसका मतलब क्या है, आपने किसी व्यक्ति को ऐसे सीरियस कानून के अंदर पकड़ लिया, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके संबंध में ट्रायल जो है टाइमली मैनर से चले, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट कानून है बेल उसको मिल नहीं पाएगी। तो केवल एलिगेशंस के नाम पर आप किसी व्यक्ति को जेल में बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हो, तो अगर आपको ट्रायल कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि कोर्ट बेल ग्रांट कर दे। तो दो बात, एक तो प्राइमा फेसाई केस एस्टेब्लिश होता हुआ नहीं लग रहा और समय ज्यादा लग रहा है ट्रायल के कंक्लूड करने में, ये दो ऐसी परिस्थिति हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके बेल ग्रांट कर सकता है, जैसे कि के ए नजीब केस के अंदर उसने की थी। समझ गए, एक ही एक्ट UAPA, एक ही सेक्शन, उसके इंटरप्रिटेशंस कितने डिफरेंट दोनों जजमेंट के अंदर, पर दोनों के बेसिस, एक जगह प्राइमा फेसा केस एस्टेब्लिश होता है वो लग रहा है, एक जगह नहीं लग रहा, एक जगह स्पीडी ट्रायल का कंसर्न अराइज हो रहा है, दूसरी जगह ऑन दैट बेसिस ये जो है वैरायटी हमको देखने को मिली कि एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हेल्ड किया था, दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हेल्ड किया। देखो आधी क्लैरिटी तभी आ जाती है जब हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, जब हम बैकग्राउंड, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बच्चे हमारा आज के टॉप 5 करंट लीगल करेंट्स थे जिनको डिस्कस करना मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कैसे यूज करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे चीज को। देखो पहले तो वैसे तो ये PPT में अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर बच्चे आप में से कोई भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलो, वहां पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। ये जितनी भी PPTs वगैरह हैं जो हमारी लीगल करंट की क्लासेस चलेंगी वो आपको वहीं से प्राप्त होंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अपने पास रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इनके शॉर्ट नोट्स बना लो और कम से कम केस का नाम तो लिख ही लेना, ये बहुत काम आएंगी आपके कल को जब आप आंसर लिखोगे, उसको बहुत एनरिच करेंगी, क्योंकि आप करंट की बातें डालोगे तो आपका एग्जामिनर बहुत इंप्रेस, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के लिए तैयार हो, थोड़ा टेस्ट तो कर ले कितना सीखा क्या सीखा, हाँ तो नहीं गए थे तैयार हो, क्वेश्चंस करें,
एमसीक्यूज करें थोड़ा एक दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो नहीं, पहले कर लो क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डिड द सुप्रीम कोर्ट टेक इन द केस ऑफ वॉलंटरी अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। याद करो पहला न्यूज था हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कि वो इन्वेस्टिगेट करे करप्शन एलिगेशन में, या फिर उसने डायरेक्ट किया अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कि वो इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब को, मतलब सीएजी साहब को, कि वो इन्वेस्टिगेट करे करप्शन चार्जेस को, करप्शन एक्यूजेशन को, या फिर उन्होंने केस को ही डिसमिस कर दिया है क्योंकि एविडेंसेस नहीं थे। क्या किया बेटा इस केस के अंदर? याद है ये ऐसे में टेस्ट कर लेता हूं। मुझे पता है ना पहले तो हाँ हाँ बोलते रहोगे, पर वेरी बहुत बहुत बढ़िया सभी लोग। क्या किया है? ऑर्डर किया है सीएजी साहब को कि वो इन्वेस्टिगेट करें। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट एक्शन डिड द सुप्रीम कोर्ट टेक इन उत्पल मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया कि पब्लिकेशन होना चाहिए पॉक्सो विक्टिम्स की आइडेंटिटीज का, जिससे कि ऑफेंडर्स डिटर हो, या फिर अर्ज किया वेस्ट बंगाल की पुलिस को कि वो इंक्रीज करें सर्वेलेंस वल्नरेबल एरियाज में, या फिर ये मैंडेट किया कि प्रोटेक्ट की जाए पॉक्सो विक्टिम्स की आइडेंटिटीज को, और अर्ज किया कि ट्रेनिंग करवाई जाए पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स की, या फिर डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो पॉक्सो एक्ट को ही रिपील कर दे। बताओ भाई क्या किया? हाँ इसमें भी सी। ये बहुत बढ़िया है कि भाई जितना भी क्वेश्चन आए सब में एक ही अल्फाबेट पकड़ के सी 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 कर दो, है ना? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वर्सेस सरफराज अली जाफरी, व्हाट वाज द मेन इशू, व्हाट वाज द मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग सेक्शन 21(5) ऑफ द एनआईए एक्ट। पहला ऑप्शन, वेदर द 90 डे लिमिटेशन इज अ फ्लेक्सिबल गाइडलाइन और एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, वेदर द 90 डे लिमिटेशन वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, whether the high courts have the authority to interpret section 21(5) of the NI Act, whether the 90-day limitation is applicable only to certain types of cases. क्या इशू था बेटे? What was the real issue? See for choice. अच्छा, choice is ours. अच्छा, इसमें choice change हो गई, इसमें see करके दिखाओ, इसमें करके दिखाओ see. Very good. इसमें नहीं करोगे, इसमें सब A भाल हो गए. बहुत बड़े. The right answer is A. Whether the 90-day limitation is a flexible guideline or an absolute requirement. बहुत बढ़िया। आज का एक legal glossary कर लेते हैं, ठीक है? एक एक शब्द सीख लेते हैं। देखो legal glossary का बहुत फायदा है, अगर आपको पता है terminologies का explanation, आप उनको exam में चुपका सकते हो कहीं पे भी। आज का जो शब्द है हमारा वो है amicus curiae। अब तक कहोगे कि सर हमें तो पता है, हमें तो पता है, सुन लो पता है, बहुत अच्छी बात। A person or organization, ध्यान से देखिएगा, a person or organization not a party to the case, not a party to the case, but who volunteers to offer information or argument to the court regarding a point of law और अ पॉइंट ऑफ फैक्ट। इतनी डिटेल में पता था पर इतनी डिटेल में पता था। देखो एमिकस क्यूरी एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक ऐसी संस्था भी हो सकती है जिसके लिए ये जरूरी है कि वो उस केस का पार्टी ना, उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अ न्यूट्रल पार्टी, जो वॉलंटियर करे, अपनी इच्छा जाहिर करे किस बारे में, जानकारी को लाने में या फिर आर्ग्यूमेंट्स करने में, अपनी बात को आगे रखने में, ठीक है? किसके संबंध में? जो कानून अप्लाई होने वाला है किसी भी केस के अंदर उसके संबंध में, या फिर जो तथ्य हैं, जो फैक्चुअल सिनेरियो है उसके संबंध में, इसको बोलते हैं हम लोग एमिकस क्यूरे, ठीक है? क्लियर है? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है पर कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा तभी, जबरदस्ती नहीं कि आप ही हेल्प करो, ऐसा नहीं।
वैसे बहुत बड़ी बात है, बहुत आदर की बात है किसी को एमिकस क्यूरे चुना गया। चलो बच्चे, अगर आप मेरे हाफ पेज पे नहीं हो, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, तो इसको फटाफट से ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और आ जाओ, ग्रुप का पार्ट बन जाओ, क्योंकि ये पीपीटी आपको वहीं से मिलेगी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर से याद दिला रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस बच्चे शुरू हो रही हैं कल से, मिस आउट मत करना अपॉर्चुनिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कल से। कल ट्यूसडे है और 9 तारीख है बच्चों, रात को 9 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं। मजेदार क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे और मेंस की भी तैयारी करेंगे, तो जरूर पार्ट बनना है इसका। और अगर आप बैच 9 खरीदना चाहते हो, हमारा फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू का, तो खरीद लो, 24,999 रुपए का है, 8 तारीख से बच्चों शुरू हो रहा है। अच्छी बात यह है इसकी शाम को क्लासेस होती हैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। और अगर आप परचेज करो तो इस कोड को यूज कर लेना, ABHILIVE। इससे फायदा ये होगा कि मैं आपका गाइड बन जाऊंगा, मेंटोर बन जाऊंगा इस पूरी आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन की जर्नी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं शाम को 8:30 बजे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में, और कल सुबह दोबारा 9 बजे लीगल करेंट अफेयर की क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरा सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।